हेलो सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख अफरान है और मैं एक एनडीटीएल डॉक्टर हूँ। मैंने पढ़ाई तो बाहर से की है लेकिन अभी लाइसेंस के एग्ज़ाम में दिसंबर की, उसके बाद मैं क्या आगे डॉक्टर ग्रेजुएट कर रहा हूँ। तो मैं तो एज ए डॉक्टर हूँ लेकिन जैसे हमारे अदर सर ने कहा कि हर एक बच्चे का अलग खूबी होती है, वो खूबी जाना बहुत ज़रूरी है। उसका एक ही इलाज हम कह सकते हैं पढ़ाई। हम बच्चे को जितना अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं देना चाहिए। और जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जिससे कोचिंग क्लासेस से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन तो आपको आज के तरफ आज के टाइम में एक मार्केट जैसा हो गया है। हर जगह कोचिंग मिलेगी, हर जगह सर मिलेंगे, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। तो पहले तो बच्चे भी देखते हैं कि वो कितना कैपेबल है, कहाँ पर कितना कैप्चर करता है, कितना ऑक्यूपाई करता है। दूसरा मेन होता है एक सर होता है सबसे जो बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे अक्रम सर की सबसे अच्छी खासियत है कि वो अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा करते हैं। ये उनका जो मैनेजमेंट करने का तरीका है ना, वो सबसे बेस्ट है। जैसे हम जैसे एज ए डॉक्टर हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल मैनेज करने का अलग से मैनेजर्स होते हैं जो पूरा हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। तो इसी तरह क्लासेस को मैनेज करते हैं कि किस बच्चे में कितनी कमी है, उसको किस तरह पूरा किया जाए, इसके लिए कौन सा टीचर सूटेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात ये होती है कि कोचिंग में जहाँ तक मैंने देखा है कि एक बचपन से देखा है कि कोचिंग जाना, वहाँ क्या करना है कि पर्टिकुलर चैप्टर होता है, हम उसको खाली रटते हैं, रीड करते हैं और एग्ज़ाम पास करनी रहती है कि मानसिकता से बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ आज भी टीचर्स ऐसे हैं और अच्छे मैनेजमेंट है जो आपको असल में पढ़ाते हैं कि एक्चुअली बुक में क्या लिखा है। उसको कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही आपको आगे जाके बेहतर बनाता है। आज आप 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो, 90% ला दो, 70% ला दो, 50 ला दो, ये मायने नहीं देगा। आपको ये मायने देगा कि आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या सीखा, वही आपके जाके माइंड ब्रेन को मैच्योर करता है आगे आने वाली लाइफ में डील करने। क्या पोजीशन पे सर? मैं अभी जैसे ग्रेजुएट हो चुका हूँ लेकिन जैसे मैंने फॉरेंस से किए तो मुझे यहाँ पर लाइसेंस एग्जाम देंगे दिसंबर को। तो आप सबके द्वार है कि तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। ओके, यानी आपने कहाँ से किया ये MBBS? मैं जॉर्जिया से किया, टिबली से जॉर्जिया से। तो टिबली से जॉर्जिया से अपराण ने अपना MBBS डिग्री डॉक्टर डिग्री कम्प्लीट किया, तो गिव क्लैप फॉर अपराण। और फाइनली उनको लाइसेंस एग्जाम देना है इंडिया से और हमारे बीच एक डॉक्टर तैयार हो गए। तो थैंक यू सो मच अपराण, थैंक यू।